केरल के कोझिकोड में करियरा एयरपोर्ट के पास शुक्रवार को एयर इंडिया का विमान लैंडिंग के दौरान फिसल गया। हादसे के वक्त विमान में 189 यात्री सवार थे। हादसे में दो पायलट समेत 19 लोगों की मौत हुई है, जबकि 121 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इनमें 14 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक दुबई से कालीकट के लिए यात्रियों के साथ उड़ा एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान भारी बारिश और ओवर स्पीडिंग की वजह से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि विमान में आग नहीं लगी और अधिकांश यात्रियों की जान बचा ली गई। बारिश के चलते कम रोशनी भी एक हादसे की वजह बनी। विमान में 189 यात्री और 6 क्रू मेंबर समेत 10 बच्चे भी शामिल थे। रात के हादसे के बाद सुबह की तस्वीर देखकर पता चलता है कि विमान दो नहीं बल्कि तीन टुकड़ों में बट गया था। ये विमान वंदे भारत अभियान में दुबई से भारतीयों को लेकर केरल आ रहा था। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख जताया है। केरल सरकार ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। जांच के बाद ही हादसे की असल तस्वीर और वजह का पता चल सकेगा।